हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं करने वाला हूं जवान मूवी का रिव्यू जो रिलीज हुई लास्ट थर्सडे। जन्माष्टमी का वीक था, लॉन्ग वीकेंड था, लोगों की छुट्टी थी। पहले दिन कमाई करी 75 करोड़ रुपए, मतलब एक ही दिन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हां, मैं बात करने वाला हूं ब्लॉकबस्टर शाहरुख खान मेगा स्टार की मूवी जवान की। शाहरुख खान की इस साल की ये दूसरी मूवी थी। पहली मूवी थी पठान, जो आपको पता ही है कि किस तरह इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, और दूसरी है ये जवान। मुझे लग ही रहा था कि जब पहले पठान ने इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो शाहरुख खान कुछ कमी तो नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने वो ही किया। जी हाँ, मैं मूवी लास्ट सैटरडे ही देख के आया हूँ और मूवी में बहुत ज्यादा दम है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि बातें करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। पहले बात कर लेते हैं मूवी की स्टारकास्ट की। मूवी के स्टारकास्ट में जो मेन एक्टर हैं वो हैं हमारे प्यारे शाहरुख खान। शाहरुख खान ने इस मूवी में पूरी जी जान लगा दी है और बता दिया है दुनिया को कि उन्हें किंग क्यों कहा जाता है। मूवी में शुरू से एंड तक शाहरुख खान ने मजे बांध दिए हैं। जी हाँ, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो एक्शन हो, शाहरुख खान नंबर एक। दूसरी जो मेन एक्ट्रेस है जो इसमें दिखाई गई है वो है नयनतारा। वो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जरूरी नहीं मूवी में अगर आप बॉलीवुड की हीरोइंस ले रहे हो तो वो मूवी चलेगी। अब मूवी में साउथ इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेस ने अपना जो है दबदबा दिखाना शुरू कर दिया है। नयनतारा ने अपने रोल को बहुत ही बखूबी निभाया है, मूवी के हर एक एलिमेंट को बहुत अच्छे से करा है। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टारकास्ट मूवी के विलन की। जी हाँ, मूवी का विलन अगर मूवी में अच्छा ना हो, वो एक्टिंग अच्छी ना करे तो मूवी फीकी पड़ जाती है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो इस मूवी में स्टारकास्ट चुनी गई है वो बहुत ही सोच समझ के चुनी गई है। लोगों के प्यारे विजय सेतुपति, मतलब मैं भी उनका कुछ खास बड़ा फैन नहीं था पहले, लेकिन जब से मैंने उनकी मूवी विक्रम देखी जो लास्ट रिलीज हुई थी और उन्होंने जो रोल उसमें करा है, भाई साहब मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। और उसके बाद मेरा ऐसा हो गया था कि ये जिस भी मूवी में आएंगे मैं मूवी जरूर देखने जाऊंगा। और जैसे ही मुझे पता चला कि जवान मूवी में वो ही विलन है तो वहीं से मेरा मन कर गया था कि मुझे मूवी देखने जाना है। लेकिन विजय सेतुपति ने इस मूवी में 4 चांद लगा दिए हैं। ज्यादा रोल नहीं है, थोड़ा थोड़ा रोल है, थोड़े थोड़े एलिमेंट है जिसमें वो आते हैं, अपनी बात करते हैं, बट जिस इंटेंसिटी के साथ वो बोलते हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ वो अपने डायलॉग्स डिलीवर करते हैं, एक तरफा, मतलब शायद ही उस रोल को इस मूवी में कोई और जस्टिस दे पाता जो विजय सेतुपति ने दिया है। अब बात कर लेते हैं मूवी के डायरेक्टर की। जी हाँ, एटली मूवी के डायरेक्टर हैं, साउथ इंडियन डायरेक्टर हैं। पहले ही मुझे पता चल गया था साउथ इंडियन लोगों के अंदर अलग ही बात होती है भाई साहब, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। SS राजामौली ने जिस तरह मूवी का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, हमारी एक्सपेक्टेशंस कहां से कहां पहुंच गई हैं। अब पुरानी स्टोरीज को देखने में मजा नहीं आता, अगर आपको कुछ मूवी में नया नहीं मिलेगा आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन एटली ने अपना डायरेक्शन पूरा जस्टिस से कर दिया है भाई साहब। जी हाँ, मूवी में एक एक एलिमेंट क्या मजा दिला देता है, मजा या भाई साहब। देखिए, अब हमारे देश में ना एक दो तरह के डायरेक्टर्स रह गए हैं, एक तो एटली साहब, राजामौली साहब, जो बढ़िया मूवीज, बढ़िया स्टोरीज, बढ़िया स्टारकास्ट, बढ़िया स्क्रीन प्ले के साथ, बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मूवी को कहां से कहां लेके जाते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को और हाई कर देते हैं। और दूसरे आदि पुरुष वाले, जो कुछ भी स्टोरी में दिखाकर, कुछ भी अच्छे से गाने दिखाकर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, इमोशनल गेम खेलते हैं। आप एक सीट छोड़ देना हमारे हनुमान जी के लिए। जी देखिए, अब जो है लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, दिमाग से मूवी देखने जाते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपने कुछ भी बनाया और लोग कुछ भी देख के आ जाएंगे। सलार मूवी की जो रिलीज डेट है वो आप देखिए चेंज कर दी गई है। अब हर डायरेक्टर, हर एक्टर सोच समझ के एक एक कदम रख रहा है, और खासकर अगर वो साउथ इंडियन के डायरेक्टर्स की कोई मूवी आने वाली है तो भाई साहब बॉलीवुड वालों बच के रहिए, क्योंकि मूवी में कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मूवी के गानों की। गाने मूवी में 5 या 6 हैं जो हर 15-20 मिनट में आते रहेंगे। हर सेगमेंट में कुछ भी अगर स्टोरी में कुछ चेंज होता है तो उसमें वो गाना आ जाएगा, लेकिन गाने देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये साउथ डब्ड है। जी हाँ, गानों को देखकर, गानों में जो स्टेप्स किए गए हैं वो भी देखकर आपको साउथ इंडियन मूवी का आपको फील आएगा।
गानों के वर्ड्स ऐसे हैं, गानों के लिरिक्स ऐसे हैं, गानों के एक्शंस ऐसे हैं, गानों के स्टेप्स ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि आप साउथ इंडियन मूवी देख रहे हो। बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। जी हाँ, मैं आपको मूवी की स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, जिससे कि आपको जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा, जो एक क्यूरियोसिटी होती है मूवी को देखने की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मूवी में ऐसा सब कुछ है जो होना चाहिए। कुछ लोग ट्रेलर को देख के ऐसा बोल रहे थे कि मूवी में सिर्फ एक्शन है। मूवी के ट्रेलर को देख के कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ डायलॉग बाजी है। ऐसा कुछ भी नहीं। मूवी में स्टार्टिंग टू एंडिंग भाई साहब इमोशंस भरकर है, स्टोरी लाजवाब है। स्टार्टिंग से एंड तक जो कनेक्ट है वो बेहतरीन है, जो सस्पेंस है वो बेहतरीन है, जो एक्शन है वो बेहतरीन है, जो डायलॉग्स हैं वो बेहतरीन है, जो एक्टिंग है वो बेहतरीन है। मूवी में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि यार ये नहीं होता तो सही होता। मूवी में सारे एलिमेंट जरूरी हैं। शाहरुख खान की जो एक्टिंग है इस मूवी में, शायद ही इतने टाइम बाद, काफी टाइम बाद, पठान से भी अच्छी एक्टिंग मुझे इस मूवी में लगी है। मतलब आप ये देखिए, जो स्टार कास्ट में अलग अलग कैरेक्टर्स लिए गए हैं, साउथ इंडिया के हैं, और उन्होंने भी अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह निभाया है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो मूवीज आ रही हैं, भाई साहब अगर आप ये मूवी देखोगे तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सिर्फ शाहरुख खान की मूवी है। शाहरुख खान ने एक्टिंग अच्छी करी है, शाहरुख खान की मूवी है, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनको जिस तरह दिखाया गया है, पूरा रोल, पूरा स्क्रीन टाइम दिया गया है, ऐसा नहीं आए लाए दिखाया गया, जी नहीं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक एक कैरेक्टर को रखा है। कोई कैरेक्टर अगर मूवी में है तो वो क्यों है, किस वजह से है, उस चीज पे भी ध्यान रखा गया है। बॉलीवुड के नाम पर इस मूवी में सिर्फ शाहरुख खान है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, सिर्फ शाहरुख खान। एक्ट्रेस साउथ इंडियन, स्टार कास्ट साउथ इंडियन, विलन साउथ इंडियन, डायरेक्टर साउथ इंडियन, जो गाने हैं वो साउथ इंडियन, स्टोरी साउथ इंडियन, बैकग्राउंड का जो लुक है, जो फील है, वो भी आपको ये याद दिलाएगा कि आप साउथ इंडियन मूवी देख रहे हो। मास एंटरटेनिंग मूवी सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज में जो देखने में मजा आता है वो ही है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक लोग सीटी मारेंगे, आप तालियां बजाओगे, मूवी में इतना कुछ है, मजा आ जाएगा। आपका पैसा वसूल, जी हाँ बिल्कुल पैसा वसूल। भाई साहब अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप जरूर चले जाओ, क्योंकि ये मूवी कुछ हटके है। पूरी फैमिली मूवी है, बहुत अच्छी मूवी दिखाई गई है, बहुत अच्छी स्टोरी है, और जो मैसेज है, जी ये नहीं जो साउथ इंडियन में दिखाया जाता है कि एक्टर आया मारा, बेवजह मार रहा है और चला गया। इसमें स्टोरी, जो मैंने बोला, एक मैसेज गिविंग है, लोगों को काफी शिक्षित किया गया है, लोगों को काफी अच्छी नॉलेज दी गई है, काफी अच्छा मैसेज दिया गया है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक लोगों को एक बहुत प्यारा मैसेज दिया गया है वोटिंग का, कि आपको अपना वोट किस तरह सोच समझ के डालना चाहिए। अब आप कहोगे कि यार तू बार बार मास एंटरटेनमेंट बोल रहा है, ऐसा इस मूवी में क्या है? जी मैं आपको कुछ मूवीज के नाम बता रहा हूं जो पिछले कुछ टाइम में हिट रही है, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो KGF हो, चाहे वो धूम 3 हो, चाहे वो विक्रम हो, ये साउथ इंडियन मूवीज और कुछ बॉलीवुड मूवीज जो आपको अलग अलग एलिमेंट में काफी पसंद आई थी और काफी हिट रही थी। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी में KGF मूवी जैसा माँ बेटे का प्यार है, विक्रम मूवी जैसी बढ़िया स्टोरी है, धूम 3 जैसा बढ़िया सा सस्पेंस है और बढ़िया क्लासी एक्शन भी है, पुष्पा मूवी जैसा एक्शन थ्रिलर है, और KGF 2 जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक है। मतलब कंतारा मूवी हो, कोई भी मूवी हो, हर मूवी का छोटा छोटा एलिमेंट इस मूवी में आपको दिखेगा। अगर एक मूवी में आपको ऐसी हिट मूवीज जो 5-6 है, सबके छोटे छोटे एलिमेंट एक ही मूवी में दिख जाए शाहरुख खान रोल प्ले करते हुए, तो भाई साहब मास एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? जी हाँ, ये मूवी पूरी मास एंटरटेनमेंट है। मतलब बीच बीच में आपको लगेगा कि भाई साहब पैसा वसूल हो गया। आपको याद होगा KGF 2 में यश का सिगार जलाना, जी हाँ वो गन से सिगार जलाना,
तो मैं बता दूं इस मूवी में भी आपको सिगार जलाने का कुछ अलग तरीका मिलने वाला है। देखिए लोग जो है ना वो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, पूरे दिन ऑफिस का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, रात को जाते हैं एंटरटेनमेंट। बट अगर उस मूवी में अगर वो देखने गए हैं, एंटरटेनमेंट के साथ एक अच्छी स्टोरी मिल जाए, बहुत अच्छे गाने मिल जाए और बढ़िया सा एक्शन, तो भाई साहब सोने पे सुहागा है। आपने मूवी अब तक देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मूवी का कौन सा पार्ट पसंद आया है। अब तक ये मूवी 3 दिन में 200 करोड़ प्लस पार कर चुकी है। जी हाँ, ये अब तक की ऐसी मूवी है जिसने 3 दिन में 200 करोड़ कर लिए हैं। जी हाँ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, मुझे पता है काफी लोग बोलते हैं कि बॉयकॉट करो खान की मूवी, बॉयकॉट करो ये वाली मूवी, बॉयकॉट करो, बट मूवी में जो मैसेज है, जो स्टोरी है, जो एंटरटेनमेंट है, जो डायलॉग्स हैं, जो मतलब छोटे छोटे एलिमेंट हैं, जो इमोशंस हैं, वो आपको बांधे रखेगी। आपको मूवी जरूर देखने जाना चाहिए। मेरे हिसाब से मूवी में 10 out of 10, मतलब मूवी में जरा से भी कोई कमी नहीं थी कि उसको हाईलाइट करूं। मूवी देखने के बाद अगर आप सीट से उठें और आपके चेहरे पर खुशी हो और आपको सेटिस्फेक्शन हो कि भाई मूवी देखी मजा आ गया, इससे अच्छी मूवी कोई नहीं हो सकती। मैंने मूवी में बीच में तालियां बजते हुए देखी हैं, सीटी बजते हुए देखी है और मूवी खत्म होने के बाद इवन तालियां बजती हुई देखी है बहुत टाइम के बाद। और एंड का जो गाना है वो भी बहुत अच्छा है। मूवी में थोड़े साइड रोल के लिए दीपिका पादुकोण आती हैं, उन्होंने वो रोल भी बहुत अच्छे से निभाया है। अगर आपको ये मेरा रिव्यू बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा या इस वीडियो का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। दिल से अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब की बार टारगेट जो है 5000 का है, जल्द से जल्दी 5000 करना है। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, युगांत अग्रवाल आपके लिए वैसी मूवीज और वैसी वीडियोस लाता रहेगा। थैंक यू।